हेलो फ्रेंड, सी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो लेक्चर और मैं हूँ आपका इकोनॉमिक्स टीचर संतोष यादव सर। सी बहुत सारे लोगों को जो है लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हैं, सो वो मेरा वीडियो लेक्चर भी देखकर आप अपना जो कंसेप्ट है, जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हो। फाइन, सी मैं आपके लिए जो लेक्चर लेकर आया हूँ वो एज पर न्यू सिलेबस लेकर आया। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 12th स्टैंडर्ड में इस ईयर मतलब 2020-21 से चैप्टर्स चेंज हुए, ना कि इकोनॉमिक्स में बल्कि सब सब्जेक्ट में चैप्टर्स जो है कुछ चेंजेस हुए। सारे चैप्टर्स नहीं, कुछ चैप्टर्स सिमिलर भी हैं और कुछ चैप्टर्स चेंज भी हुए, बट मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ वो एज पर न्यू चैप्टर्स न्यू सिलेबस के हिसाब से लेकर आया। सो क्या है HSC न्यू सिलेबस विच अफेक्ट फ्रॉम 2020-21। इस ईयर से हमारा जो न्यू सिलेबस आया है वो क्या क्या है आज हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फाइन, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चैप्टर्स है, चैप्टर्स के नेम। यस, सो देखो ये है आपका चैप्टर्स के नेम, दैट इज चैप्टर्स के नेम इस ईयर। सो क्या क्या है, फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक। सी लास्ट ईयर तक ये चैप्टर दो चैप्टर सेपरेट सेपरेट थे, एक चैप्टर का नाम था माइक्रो इकोनॉमिक, दूसरे चैप्टर का नाम था मैक्रो इकोनॉमिक, बट इस ईयर से ये दोनों चैप्टर्स को कंबाइन कर दिया गया है। फाइन, चैप्टर नंबर टू दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। ये चैप्टर भी लास्ट ईयर था बट इस चैप्टर का नाम था कंज्यूमर बिहेवियर। अब यहां पे इस ईयर इसका नाम चेंज करके यूटिलिटी एनालाइज किया गया है, लेकिन इसके जो कंटेंट है वो लास्ट ईयर और इस ईयर के सिमिलर, कोई चेंजेस नहीं है। यस, चैप्टर नंबर थ्री दैट इज डिमांड एनालिसिस। सो डिमांड के बारे में आपको पता ही होगा और डिमांड को एनालाइज करना है, मतलब डीप स्टडी करना है। तो ये चैप्टर भी लास्ट ईयर था और इस ईयर भी सेम कंटिन्यू किया गया है। चैप्टर नंबर फोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारे लोग इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि समझता ही नहीं, लेकिन मैं आपको अश्योरिटी देता हूं, गारंटी देता हूं कि मैं आपको ये चैप्टर ऐसे समझा के दूंगा कि आपका एकदम इजी वे में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यस, चैप्टर नंबर फाइव दैट इज सप्लाई एनालिसिस। तो जिस तरीके से डिमांड होता है उसी तरीके से सप्लाई भी होता है। तो सेलर जो होते हैं, सेलर मार्केट में गुड्स को सप्लाई करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग सप्लाई चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर भी लास्ट ईयर था और इस ईयर भी कंटिन्यू किया गया है। चैप्टर नंबर सिक्स फॉर्म्स ऑफ मार्केट। कि फॉर्म्स का मतलब होता है टाइप्स, फॉर्म्स का मतलब होता है टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। कि मैं वो मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं जो आप सोच रहे हैं कि सर भाजी मार्केट, सर कपड़े का मार्केट, सर मच्छी मार्केट, नहीं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट है। तो इसके हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 3 to 4 टाइप्स ऑफ मार्केट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लास्ट ईयर भी था, इस ईयर भी है और आने वाले ईयर में भी आपको ये चैप्टर रहेगा और भी टाइप्स ऑफ मार्केट उसमें ऐड होंगे। यस, चैप्टर नंबर सेवन। यस, ये डिस्कस करने लायक चैप्टर है बिकॉज ये वो चैप्टर है इंडेक्स नंबर जो इस ईयर न्यू ऐड हुआ बट 11th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर हुआ करता था, जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा है। यहां पे कुछ फॉर्मूला बेसिस पे हमको सम सॉल्व करना है, दैट इज इंडेक्स नंबर। यस, एंड चैप्टर नंबर एट क्या है, नेशनल इनकम। यस, मेरा एक फेवरेट चैप्टर है बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी लाइफ आपको याद रखना है और जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक ये चैप्टर का कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको आता ही रहेगा। तो नेशनल इनकम, देश का इनकम, किस तरीके से इनकम आता है, कहां पे वो स्पेंड किया, खर्चा किया जाता है, वो सब हम लोग नेशनल इनकम चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर नाइन दैट इज पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक मतलब यहां पे मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, यहां पे पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, तो पब्लिक कंपनी का मतलब गवर्नमेंट, जो कंपनी को गवर्नमेंट रन कर रही है, गवर्नमेंट चला रहा है, उसको हम लोग पब्लिक बोलते हैं। और फाइनेंस का मतलब पैसा, दैट मींस गवर्नमेंट का पैसा कहां से आता है और गवर्नमेंट वो पैसे को कहां पे यूटिलाइज करता है, कहां पे वो पैसे को स्पेंड करता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक फाइनेंस। चैप्टर
चैप्टर नंबर 10 मनी एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट ईयर तक ये चैप्टर मैंने टीवाई में पढ़ा था ना, इस ईयर आपको 12th स्टैंडर्ड में ही आ गया। एंड चैप्टर नंबर 11 दैट इज फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। दैट मींस आपको पता ही होगा कि इंडिया फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, तो ये उसके बारे में। तो ये टोटल पूरे 11 चैप्टर्स हैं जो इस ईयर आपको और हमको डिस्कस करना है। फाइन, चलो। सो यस, मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूंगा। सर, चैप्टर नंबर 2 क्यों स्टार्ट कर रहे हो? बिकॉज चैप्टर नंबर 1 जो है वो एक टाइप का शॉर्ट समरी टाइप में है। समरी दैट मीन्स जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पूरे स्टोरी पढ़ने के बाद उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, दैट इज कॉल्ड समरी। तो इसलिए हम लोग चैप्टर नंबर 1 बाद में पढ़ेंगे, पहले स्टोरी टाइप पढ़ेंगे, बाद में समरी पे जाएंगे। तो चैप्टर नंबर टू दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। देखो, मैंने आपको एनालाइज का मतलब थोड़ी देर पहले भी बताया था। एनालाइज का मतलब क्या होता है? एनालाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को डिटेल में स्टडी करना। एनालाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को डिटेल में स्टडी करना, मतलब कि वो कहां से आया है, कैसा उसका इंट्रोडक्शन हुआ, कौन उसको यूज किया, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सो उसको एनालाइज करना। किसको एनालाइज कर रहे हैं हम लोग? यूटिलिटी को। किसको एनालाइज कर रहे हैं? यूटिलिटी को। अभी क्वेश्चन ये आता है कि सर यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है? सो इन शॉर्ट यूटिलिटी का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कमोडिटी जो मुझे सेटिस्फाई करता है या फिर जो मेरे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि अगर मुझे प्यास लगा है तो पानी एक ऐसा कमोडिटी है जो मुझे सेटिस्फाई करेगा या फिर मेरे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो पानी मेरे लिए क्या बन गया? तो पानी मेरे लिए यूटिलिटी बन गया। तो जो भी चीज मेरे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करता है वो मेरे लिए यूटिलिटी बन जाता है। मुझे भूख लगा है तो क्या चाहिए? यस, मुझे खाना चाहिए। तो खाना क्या है? खाना एक कमोडिटी है जो मुझे सेटिस्फाई करेगा, तो खाना मेरे लिए यूटिलिटी बन गया। तो हर वो चीज, हर वो प्रोडक्ट, हर वो कमोडिटी जो मेरे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, जो मेरे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर रहा है वो मेरे लिए यूटिलिटी बन जाएगा। यस, तो ये था हमारा यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर का नाम। अच्छा, चलो हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। यूटिलिटी का मीनिंग क्या दिया है? सो यूटिलिटी मतलब, यूटिलिटी मींस वॉन्ट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। अगेन आई एम सेइंग, यूटिलिटी मींस वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। अच्छा, इसको हम लोग हिंदी में देखते हैं, लेकिन मैं आपको मीनिंग को पीछे से स्टार्ट करूंगा। किसी भी कमोडिटी में उतना पावर होना चाहिए कि मेरे बॉन्ड्स को वो सेटिस्फाई कर सके, तो वो चीज मेरे लिए यूटिलिटी बन जाएगा। अरे समझे, किसी भी कमोडिटी के अंदर उतना पावर होना चाहिए कि मेरे बॉन्ड्स को वो सेटिस्फाई कर सके, तो वो चीज मेरे लिए यूटिलिटी बन जाएगा। ये मीनिंग सिंपल एक्सप्लेन में किया है। यूटिलिटी मीन्स वॉन्ट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। यस, ये था हमारा मीनिंग। अच्छा, उसी चीज को फिर से एक्सप्लेन किया मैंने इन डिफरेंट वर्ड। इट मींस मतलब यूटिलिटी मींस एनी कमोडिटी, कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट मस्ट हैव मतलब उसमें उतनी कैपेसिटी होना चाहिए, मस्ट हैव दैट मच पावर टू सेटिस्फाई द ह्यूमन बॉन्ड्स। किसी भी कमोडिटी के अंदर उतना पावर होना चाहिए कि वो ह्यूमन बॉन्ड्स को सेटिस्फाई कर सके, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? वो मेरे लिए बन जाएगा यूटिलिटी। ओके, तो ये दो लाइन हम लोग को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, थर्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड लाइन क्या बोलता है? द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। ये जो कंसेप्ट है यूटिलिटी, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, इसको लॉन्च किसने किया, इसको मार्केट में लेकर आने वाला पर्सन कौन है? सो इंट्रोड्यूस बाय जेरेमी बेंथम, प्रोफेसर जेरेमी बेंथम। तो जेरेमी बेंथम, अच्छे से नाम याद रखना, जे ई आर ई एम वाई, जेरेमी बेंथम।
So Jeremy Bentham was the first person who introduced the concept of utility. ये question, मतलब ये नाम जो है आपको बहुत बार आपके 12th standard में इसको पूछ चुका है, filling the blanks में, कि किसने ये concept को introduce किया है, तो आप वहां पे लिखोगे Jeremy Bentham. Okay? So Jeremy Bentham is the person who introduced the concept of utility. Yes. Now, लेकिन इंट्रोड्यूस तो जेरेमी बेंथम ने किया, बट उसको सिस्टमेटिकली क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम लोग मार्केट में लेके आते हैं लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है क्योंकि वो सिस्टमेटिकली नहीं लाते. तो उसी तरीके से ये जो यूटिलिटी है, जो कंसेप्ट है, इसको सिस्टमेटिकली मार्केट में लाने वाला जो पर्सन है वो पर्सन द ग्रेट पर्सन है प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल. यस, ये नाम अच्छे से याद कर लेना बिकॉज बहुत सारे चैप्टर में आपको ये नाम देखने मिलेगा. ओके, अगेन आई एम सेइंग, बट इट वॉज सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890. देखो ये क्या बोला है कि ये जो कंसेप्ट है यूटिलिटी, इसको इंट्रोड्यूस करने वाला पर्सन तो जेरेमी बेंथम था, लेकिन सिस्टमेटिकली पब्लिक के सामने लाने वाला जो पर्सन था वो कौन था, प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल. अच्छा, प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल ने ये कहां पे एक्सप्लेन किया, तो बोलेगा प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल का खुद का एक बुक था, उसने खुद ने एक बुक लिखा था जो बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, जो बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक, और वो बुक मार्केट में पब्लिश किया गया था इन द ईयर 1890. वो बुक मार्केट में पब्लिश किया गया था इन द ईयर 1890. तो ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया हमारा यूटिलिटी का. ओके, सो ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया यूटिलिटी एनालिसिस का. फाइन, यस. सो पहले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग देखेंगे. तो पहला क्वेश्चन क्या है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. पहले हम लोग ने यूटिलिटी का इंट्रोडक्शन देखा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. सो फीचर्स क्या है, फीचर्स की मतलब होती है विशेषताएं किसी भी पर्सन के बारे में. जैसे मैं बोलता हूं कि एक पर्सन है, उस पर्सन का फीचर्स क्या है, तो उस पर्सन का फीचर्स मतलब वो दिखता कैसा है, वो कितने उम्र का है, वो पढ़ाई करता है या जॉब करता है, तो उसके बारे में सारी उसकी क्वालिटी जो भी उसके अंदर है, अच्छाई बुराई सब कुछ, दैट इज कॉल्ड फीचर. ओके, तो यूटिलिटी, तो यूटिलिटी का मतलब तो हमको समझ में आ गया सर, कोई भी चीज जो मेरे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करता है वो मेरे लिए यूटिलिटी बन जाता है. इन शॉर्ट, जो मेरी जरूरतों को पूरा करता है, जो मेरे रिक्वायरमेंट को पूरा करता है वो मेरे लिए यूटिलिटी बन जाता है. ठीक है, तो यूटिलिटी का फीचर्स क्या है. यस, ये टोटल 8 फीचर्स है आपके सामने, ये टोटल 8 फीचर्स है आपके सामने. ओके, सो पहला फीचर्स क्या है, पहला फीचर्स है यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट. पहला फीचर है यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट. इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे, पहले मैं 8 पॉइंट के नाम बता देता हूं. यस, पॉइंट नंबर 2, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म. यूटिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म. थर्ड वन इज यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस. यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस. पॉइंट नंबर 4, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर. अगेन आई एम सेइंग यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर. यस, पॉइंट नंबर 5, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. 6 पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल. यूटिलिटी को मेजर करना पॉसिबल नहीं है. मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल. यस, पॉइंट नंबर 7, यूटिलिटी मे बी फॉर मल्टीपर्पज. यूटिलिटी मे बी फॉर मल्टीपर्पज. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे मल्टीपर्पज काम आती है, बहुत सारे काम में आती है. यस, एंड लास्ट वन इज यूटिलिटी इज नॉट विजिबल. अगेन आई एम सेइंग यूटिलिटी इज नॉट विजिबल. ये टोटल 7 पॉइंट्स हैं जो हमारे फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. तो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट. यस, तो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है कि यूटिलिटी क्या, यूटिलिटी जो है एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है. यूटिलिटी जो है एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है. सर सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सर सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है. सब्जेक्टिव का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, कोई भी ऐसी चीज जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है.
जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपका टीचर, तो मुझे पढ़ाने के लिए मुझे चौक की जरूरत है, मुझे मार्कर की जरूरत है, चौक या फिर मार्कर का रिक्वायरमेंट है। बट आप क्या करोगे? चौक आपको तो कोई जरूरत नहीं है चौक का, तो आपको जरूरत है पेन पेंसिल का, मुझे जरूरत है चौक एंड मार्कर का। तो मेरी जरूरतें अलग है और आपकी जरूरतें अलग है, मेरी जरूरतें अलग है, मेरा रिक्वायरमेंट अलग है, आपका रिक्वायरमेंट अलग है। सो दैट्स व्हाई दोनों का रिक्वायरमेंट जब अलग अलग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव, उसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव। जो मुझे चाहिए वो आपको नहीं चाहिए, जो आपको चाहिए वो मुझे नहीं चाहिए। तो दोनों का रिक्वायरमेंट, दोनों का यूटिलिटी जब अलग अलग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव फंक्शन। देखो मैंने क्या लिखा है यहां पे कि यूटिलिटी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यूटिलिटी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट मीन्स हर पर्सन की जरूरतें चेंज होती रहती है, हर पर्सन की जरूरतें चेंज होती रहती है। ओके मुझे अलग चीजों का रिक्वायरमेंट रहेगा आपको, जैसे मुझे प्यास लगा तो मुझे पानी चाहिए, आपको भूख लगा तो आपको खाना चाहिए। ओके तो हर पर्सन का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। सो हर पर्सन का जब रिक्वायरमेंट पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, उसी को हम लोग सब्जेक्टिव का नाम देते, दैट इज सब्जेक्टिव कंसर्न। ओके सो एग्जाम्पल में मैंने लिखा है अ चॉक हैज अ ग्रेट यूटिलिटी, अ चॉक हैज अ ग्रेट यूटिलिटी फॉर टीचर एंड नो यूटिलिटी फॉर अदर्स। तो एक चौक जो है वो किसके लिए यूजफुल है? एक टीचर्स के लिए यूजफुल है, बट नो यूटिलिटी फॉर अदर्स, अदर लोग उसका क्या काम करेंगे? तो चौक का जो यूज है वो टीचर्स के लिए ही बनाया जाता है, ताकि टीचर को पढ़ा सके बच्चों को। तो दैट्स व्हाई अ चौक हैज अ ग्रेट यूटिलिटी फॉर द टीचर एंड नो यूटिलिटी फॉर द अदर, जैसे मैंने आपको इमेज में यहां पे दिखा के दिया। तो कोई भी चीज जब पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहेगी, कोई भी चीज जब पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहेगी, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव कंसर्न, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव कंसर्न। ओके सो चलो पॉइंट नंबर टू की तरफ हम लोग चलते हैं कि यूटिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म। अगेन आई एम सेइंग यूटिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म। अभी सब्जेक्टिव का मतलब तो समझ में आ गया सर, कि सब्जेक्टिव का मतलब होता है, सब्जेक्टिव का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। लेकिन रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है? रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है? अगेन आई एम सेइंग कि रिलेटिव का मतलब होता है सर रिश्तेदार, नहीं रिश्तेदार नहीं, ये वो अलग रिलेटिव है। ये रिलेटिव का मतलब होता है जो चीज टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, कोई भी चीज जो टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, उसको हम लोग रिलेटिव टर्म्स बोलेंगे। जो चीज टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, उसको हम लोग रिलेटिव टर्म बोलेंगे। पहले हम एग्जांपल देख लेते, जैसे अभी यहां पे लिखा है यूटिलिटी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। सो रेनकोट एंड अम्ब्रेला एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, रेनकोट एंड अम्ब्रेला। सर आप लोग रेनकोट और अम्ब्रेला कब यूज करते हो? तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो है रेनकोट एंड अम्ब्रेला। लेकिन जैसे ही सीजन चेंज हुआ, सीजन चेंज हुआ का मतलब क्या चेंज हुआ? टाइम चेंज हुआ। सीजन चेंज हुआ का मतलब क्या चेंज हुआ? टाइम चेंज हुआ। तो जैसे ही टाइम चेंज हुआ, अभी आ गया बोलता है ठंडी का टाइम, तो आप तभी भी रेनकोट और अम्ब्रेला पहनोगे क्या? नहीं, तो आपका रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, आपका रिक्वायरमेंट चेंज जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम चेंज हो गया, क्योंकि सीजन चेंज हो गया। तो कोई चीज जब टाइम टू टाइम चेंज होता है ना सर, उसको हम लोग रिलेटिव टर्म्स बोलते हैं, उसको हम लोग रिलेटिव टर्म्स बोलते हैं। ओके एंड प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस वाला भी एग्जाम्पल है। वुलन क्लॉथ हैव यूटिलिटी इन कोल्ड कंट्री। अभी जैसे आप किसी कोल्ड कंट्री में जा रहे हो, या फिर चलो हमारे इंडिया में आप कश्मीर में चले गए, तो कश्मीर में अगर आप ये सीजन में भी जाओगे तो वहां पे ठंडी है। तो प्लेस चेंज किया ना हम लोग ने। मैं मुंबई में आया तो मुंबई में बोला बहुत गर्मी हो रही है, मैं कश्मीर में चला गया तो बोला बहुत ठंडी हो रही है। तो जब मैं कश्मीर में जाऊंगा ना, तो मैं स्वेटर लेके जाऊंगा, मैं वुलन क्लॉथ लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वहां पे क्या है, ठंडी है। तो प्लेस चेंज हुआ तो यूटिलिटी भी चेंज होगा। जैसे मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूं कि हम लोग, जैसे मैं अगर क्लास में आता हूं तो मैं क्या लेकर आता हूं? तो जैसे मैं बुक्स लेकर आता हूं, बैग लेकर आता हूं, पेन पेंसिल लेकर आता हूं। क्या मैं पिकनिक, जब पिकनिक से ये करने जाता हूं तो क्या मैं पिकनिक पे भी बुक बैग लेकर जाऊंगा, पेंसिल लेकर जाऊंगा? नहीं, वहां पे मैं एंजॉयमेंट की चीजें लेकर जाऊंगा। तो प्लेस चेंज हुआ तो रिक्वायरमेंट भी चेंज हुआ।
तो रिक्वायरमेंट, मेरी रिक्वायरमेंट जब टाइम टू टाइम चेंज होगा और प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, रिक्वायरमेंट जब टाइम टू टाइम चेंज होगा एंड प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव टर्म। दो एग्जांपल देख लेना, अम्ब्रेला हैव अ यूटिलिटी ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड वूलन क्लॉथ हैव यूटिलिटी इन द कोल्ड कंट्री। आया समझ में? तो ये था आपका चैप्टर नंबर पॉइंट नंबर टू, जिसका नाम था, इसका नाम था यूटिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म। यस, पॉइंट नंबर थ्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। डिफर का मतलब होता है डिफरेंट, डिफर का मतलब होता है डिफरेंट। अच्छा, यहां पे क्या बोला है, यहां पे बोला है यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस दोनों अलग अलग है, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस दोनों अलग अलग है। सर कैसे अलग है दोनों? देखो, मैं अगर आपको बोलूं कि यूजफुलनेस का मतलब क्या, तो आप बोलोगे सर यूजफुल का मतलब जरूरत, और यूटिलिटी बोला यूटिलिटी का मतलब भी जो जरूरत पूरा करता है, और यूजफुलनेस का भी मतलब जो जरूरत पूरा करता है। दोनों तो सेम है ना सर मेरे लिए, लेकिन इकोनॉमिक्स बोलता है, इकोनॉमिक्स बोलता है, बोलता है डिफरेंट डिफरेंट। इकोनॉमिक्स बोलता है दोनों अलग अलग है, दोनों सिमिलर नहीं है। तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, कैसे दोनों अलग है, कैसे दोनों अलग है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, यूटिलिटी का मतलब मैंने क्या बताया था, यूटिलिटी का मतलब मैंने बताया था जो चीज आपको सेटिस्फाई करता है, यूटिलिटी का मतलब मैंने बताया था जो चीज आपको सेटिस्फाई करता है। लेकिन यूटिलिटी ये नहीं देखता है कि आप सेटिस्फाई तो हो रहे हो, लेकिन यूटिलिटी ये नहीं देखता है कि ये सेटिस्फेक्शन के वजह से आपका बेनिफिट हुआ या नहीं, आपका फायदा हुआ या नहीं। वो खाली ये बोलते हैं, हाँ सामने वाले को अगर किसी चीज का रिक्वायरमेंट हो तो उसको दो और सेटिस्फाई करो, लेकिन वो चीज खाने पीने से उस पर्सन का अच्छा हो गया या बुरा हो गया, यूटिलिटी बोलते हैं मेरे को उससे मतलब ही नहीं है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है, मेरा तो सिर्फ एक ही काम है सामने वाले को सेटिस्फाई करना, ऐसा बोलता है यूटिलिटी। देखो क्या लिखा है, यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन, मतलब यूटिलिटी का मतलब होता है सिर्फ सामने वाले को सेटिस्फाई करना, यूटिलिटी का मतलब होता है सिर्फ सामने वाले को सेटिस्फाई करना। बट यूजफुलनेस मीन्स, यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है कि बेनिफिट फ्रॉम द कमोडिटी, लेकिन यूजफुलनेस बोलता है मैं सामने वाले को वही चीज दूंगा जिससे सामने वाले का बेनिफिट होना चाहिए, जिससे सामने वाले का बेनिफिट होना चाहिए, मतलब फायदा होना चाहिए। तो इसीलिए यूजफुलनेस एंड यूटिलिटी बोलता है डिफरेंट डिफरेंट, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस बोलता है डिफरेंट डिफरेंट। यस, देखो मैंने क्या लिखा एग्जांपल में, अ सिगरेट हैज अ यूटिलिटी फॉर द स्मोकर। एक स्मोकर क्या बोलता है, मुझे यूटिलिटी किस में मिलेगी, मुझे यूटिलिटी सिगरेट में मिलेगी क्योंकि सिगरेट मुझे सेटिस्फाई करता है। लेकिन मेरे को ये बताओ, क्या वो सिगरेट उस पर्सन को बेनिफिट भी देता होगा क्या? नहीं, वो सिर्फ यूटिलिटी दे रहा है, बेनिफिट नहीं दे रहा है, मतलब यूजफुलनेस नहीं दे रहा है, सिर्फ यूटिलिटी दे रहा है। सो सिगरेट हैज अ यूटिलिटी फॉर द स्मोकर बट इट इज इंजूरियस टू हिज हेल्थ। तो आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिगरेट, आप अपना कोई एप्पल जूस वगैरह पियो जिससे आपका बेनिफिट होना चाहिए। सो ये आपके लिए यूजफुल है, ये जूस जो है आपके लिए यूजफुल है, ये सिर्फ आपको यूटिलिटी देता है, लेकिन ये आपको यूजफुलनेस देता है, ये आपको सिर्फ यूटिलिटी देता है लेकिन ये आपको यूजफुलनेस देता है। दैट्स व्हाई दोनों क्या हम लोग बोले डिफरेंट डिफरेंट है। यस, कम टू द पॉइंट नंबर फोर। तो पॉइंट नंबर फोर क्या है, देखो आपके सामने, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। देखो जनरल केसेस में क्या होता है, जनरल केसेस में क्या होता है, तो जनरल केस में ऐसा होता है कि जो चीज हमारे लिए यूटिलिटी होता है वो चीज मिलने के बाद हमको प्लेजर मिलता है। जैसे जैसे अगर आपको प्यास लगा है, बहुत प्यास लगा है, और आपको मैं एक ग्लास पानी देता हूं, तो आपका जो यूटिलिटी है वो पानी है, तो वो पीने के बाद आपको क्या मिलता है, प्लेजर। प्लेजर मतलब हैप्पीनेस, प्लेजर मतलब हैप्पीनेस, एक अंदर से जो फीलिंग आता है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लेजर, खुशी मिलना, हैप्पीनेस मिलना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेजर। सो एक जनरल केसेस में तो हम लोग यही देखते हैं कि यूटिलिटी एंड प्लेजर दोनों सेम सेम है, बट इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, यूटिलिटी एंड प्लेजर बोथ आर डिफरेंट, डिफर फ्रॉम प्लेजर। सर ऐसे कैसे हो सकता है, जो चीज हमारे लिए यूटिलिटी है वो हमको प्लेजर नहीं देती हो? जैसे जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि एक पेशेंट है,
एक पेशेंट, अभी पेशेंट का मतलब वो बीमार एसिक पेशेंट है, अब उसको यूटिलिटी किसमें मिलेगी, उसको यूटिलिटी या तो मेडिसिन में मिलेगी, उसको यूटिलिटी या तो इंजेक्शन में मिलेगी। लेकिन मेरे को ये बताओ क्या इंजेक्शन देने से या फिर मेडिसिन खाने से उसको क्या बहुत प्रेशर मिलेगा? आप भी बताओ। यस, आप गए डॉक्टर के पास, आप बोला बीमार है, डॉक्टर ने बोला आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो आपको डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया एक हाथ में, आप बोलते हो यस बहुत प्रेशर मिला डॉक्टर वंस मोर, मुझे दूसरे हाथ में भी इंजेक्शन लगा था, क्या ऐसा कभी होता है? बहुत मजा आ रहा है। यस, आपको मेडिसिन खाने के लिए दिया है डॉक्टर ने, आप बोला यस मेडिसिन खाने में बहुत मजा आ रहा है, सुबह दोपहर शाम तीन टाइम की बोला, चार टाइम बोलना चाहिए था, पांच टाइम बोलना चाहिए था खाने, ऐसे कभी होता है क्या? नहीं। लेकिन लेकिन वो आपके लिए यूटिलिटी जरूर है, क्योंकि जब तक आप इंजेक्शन नहीं लेते हो, जब तक आप मेडिसिन नहीं खाते हो, आपका बीमारी सही नहीं होगा। तो वो आपके लिए यूटिलिटी तो है लेकिन प्लेजर देता नहीं है, प्लेजर देता नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। अच्छा, मैंने क्या लिखा है, सम कमोडिटी मे हैव यूटिलिटी, कुछ ऐसी कमोडिटी होती है जिसमें यूटिलिटी तो मिलता है बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर, लेकिन उन लोगों को प्लेजर नहीं देता है, सिर्फ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, बोलता है यस आपको यूटिलिटी पूरा कर रहा हूं, लेकिन मुझे कंज्यूम करने से आपको कोई प्लेजर नहीं मिलने वाला है। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे, इंजेक्शन हैज अ यूटिलिटी फॉर द सिक पेशेंट बट इट डज नॉट गिव एनी प्लेजर टू हिम। एक इंजेक्शन जो है वो सिक पेशेंट को यूटिलिटी तो देता है बट उसको एंजॉयमेंट नहीं देता, उसको प्लेजर नहीं देता है। तो इसलिए हम लोग का पॉइंट नाम है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है, पॉइंट नंबर 5 क्या है कि यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब यह है कि यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन दोनों अलग अलग हैं, यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। अभी आप बोलोगे सर आपने थोड़ी देर पहले तो बताया था, आपने थोड़ी देर पहले यह बताया था कि यूटिलिटी का मतलब वो चीज होता है जो सेटिस्फेक्शन करता है, अब आप बोल रहे हो कि दोनों अलग अलग है, ऐसा कैसे हो सकता है? या ऐसा कैसे हो सकता है, आप हम लोग डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक्स बोलता है कि यूटिलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज, यूटिलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज जो हमको स्टार्टिंग स्टेज में रियलाइज हो, जब हमको स्टार्टिंग स्टेज में रियलाइज हो वो हमारे लिए यूटिलिटी है। जैसे जैसे अगर मुझे प्यास लगा है, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे बहुत प्यास लगा है, तो इस टाइम पे मैंने कहीं पे पानी देखा, तो पानी को देखने के बाद मुझे ऐसा लगेगा यस वो पानी मेरे लिए यूटिलिटी है, पानी को देखने के बाद ऐसा लगेगा कि वो पानी मेरे लिए यूटिलिटी है। लेकिन देखकर ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया क्या, वो पानी को देखने से ही मैं सेटिस्फेक्शन हो गया क्या? नहीं। मेरे को सेटिस्फेक्शन कभी मिलेगा जब वो पानी को मैं कंज्यूम करूंगा, जब वो पानी को मैं पी लूंगा, वो पानी पीने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अच्छा, हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो यूटिलिटी था वो स्टार्टिंग स्टेज में ही आ गया, लेकिन सेटिस्फेक्शन कब मिला, सेटिस्फेक्शन लास्ट स्टेज में मिला, सेटिस्फेक्शन कब मिला, सेटिस्फेक्शन लास्ट स्टेज में मिला। तो इसीलिए यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, इसका मतलब ये है कि यूटिलिटी स्टार्टिंग स्टेज में ही आ जाता है, यूटिलिटी स्टार्टिंग स्टेज में ही आ जाता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन जो होता है वो लास्ट स्टेज में होता है, सेटिस्फेक्शन जो होता है वो लास्ट स्टेज में होता है। इसीलिए इकोनॉमिक के हिसाब से यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। देखो क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं, यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट बिकॉज यूटिलिटी इज द फर्स्ट स्टेज, बिकॉज यूटिलिटी इज द फर्स्ट स्टेज एंड सेटिस्फेक्शन इज द लास्ट स्टेज। मतलब सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, जब किसी चीज को हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं तब जाके हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिलता है। सो एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, अ हंग्री पर्सन फाइंड यूटिलिटी इन फूड, खाने को देखकर मुझे यूटिलिटी तो लगा कि हाँ मेरा यूटिलिटी उसमें ही है खाने में, बट ही गेट सेटिस्फेक्शन ओनली वेन ही ईट द फूड। लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, जब वो पूरे खाने को कंज्यूम कर लेगा, जब उसका पेट भर जाएगा। तो सेटिस्फेक्शन कब मिला, उसको एंडिंग स्टेज में मिला, लेकिन यूटिलिटी उसको स्टार्टिंग स्टेज में आ गई थी। तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेज के वजह से, ये स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेज के वजह से ही हम लोग बोलेंगे कि यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 5, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या है,
मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, मतलब यूटिलिटी मतलब रिक्वायरमेंट को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, रिक्वायरमेंट को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। सर क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या होता है, रिक्वायरमेंट एक टाइप का फीलिंग होता है, रिक्वायरमेंट एक टाइप का फीलिंग होता है, फीलिंग को हम लोग कभी मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे आपको भूख लगा है और मैं आपको मेजरमेंट पूछता हूं कि आप कितना किलो खाना खाओगे, कितना ग्राम खाना खाओगे, कितना सेंटीमीटर खाना खाओगे, आप मेजरमेंट नहीं दे सकते। आप सिर्फ ये बोल सकते हो, हाँ सर मुझे बहुत भूख लगा है, हाँ सर मुझे थोड़ा ही भूख लगा है, आप ये बता सकते हो, लेकिन ये नहीं बता सकते हो कि हाँ मैं इतना ग्राम ही खाना खाऊंगा, इतना केजी ही खाना खाऊंगा, या फिर इतना सेंटीमीटर ही खाना खाऊंगा। वो तो एक फीलिंग है, आपको अंदर से लगता है हाँ मुझे बहुत प्यास लगा है, थोड़ा ही प्यास लगा है, बहुत भूख लगा है, थोड़ा ही भूख प्यास लगा है। ओके, तो ये चीज तो एक आप फीलिंग है, फीलिंग आपके अंदर से फीलिंग आती है, लेकिन मेजरमेंट नहीं होता है सर, आप सिर्फ ये चीजों को महसूस कर सकते हो। तो क्या लिखा है, यूटिलिटी कैनॉट मेजर इन एग्जैक्ट क्वांटिटी, यूटिलिटी कैनॉट मेजर इन एग्जैक्ट क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल फील्ड।